हेलो गाइस, स्वागत है आपका मोबी कॉम टेक की एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन को कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से कस्टमाइज़ कर सकते हैं और एनहेंस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ट्रिक और देखते हैं आप कैसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन को बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेगा जिसका नाम है सुपर स्टेटस बार। मैंने पहले इसी डाउनलोड किया हुआ है, आप इसको डाउनलोड कर लें और ओपन कर लें। पहली बार ओपन करने पर इसका कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, मैं स्किप कर देता हूँ। इसके बाद आपको स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर स्टार्ट बटन क्लिक करना है और कुछ परमिशन मांगेगा। उसके बाद कुछ परमिशन को अलाउ कर देना है, मॉडिफाई सेटिंग परमिशन मांग रहा है तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी सर्विस अलाउ करने के लिए बोल रहा है तो चलिए मैं उसको भी अलाउ कर देता हूँ। तो चलिए मैंने एक्सेसिबिलिटी सर्विस को भी अलाउ कर दिया है। इसके बाद सुपर स्टार बार की नीचे आपको स्टॉप बटन दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब है हमारा ऐप स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद में आपको कई ऑप्शन दिखेंगे जैसे गेस्चर, इंडिकेटर, मेन स्लाइडर, टिकर टेस्ट, स्टेटस बार, बैटरी बार, एक्स्ट्राज। तो आपको सबसे पहले गेस्चर के बारे में बताते हैं। गेस्चर से आप अपने फ़ोन के स्टेटस बार को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जिससे आप सिंगल टैप ऑप्शन दिया है, इससे आप फ़ोन के को कस्टमाइज़ कर सकते हैं कि आप जैसे सिंगल स्टेटस बार पर सिंगल टैप करने से आपका फ़ोन डिसेबल हो जाएगा, स्क्रीन शॉट, स्प्लिट स्क्रीन, ऐसे कई सारे बहुत ही ख़ास ऑप्शन हैं। तो चलिए मैं स्क्रीन शॉट वाले ऑप्शन को इनेबल कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने स्टेटस बार पर सिंगल टैप किया, इसने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसका। एक इसमें आपको कई सारे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, सिंगल टैप, डबल टैप, लॉन्ग प्रेस, ये सारे ऑप्शन में कई बहुत ही खास फीचर्स होते हैं। तो आप अपनी अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर वाले ऑप्शन में जाते हैं तो आपको यहाँ पर शो इंडिकेटर स्टाइल, शो कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है स्लाइडर इंडिकेटर और सेटिंग टॉगल को, जो कि आप इसके डिज़ाइन को कस्टमाइज। तो यहाँ पर आप कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि प्रीमियम के लिए हैं। अगर आप प्रीमियम ऐप इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको ये सारे फीचर इनेबल हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले फीचर की। तो मेन स्लाइडर को आप इसमें आपको ब्राइटनेस, मीडियम वॉल्यूम, नोटिफिकेशन रिंग वॉल्यूम, कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। ब्राइटनेस ऑप्शन इसमें डिफ़ॉल्ट में लगा हुआ है, अगर आप स्टेटस बार पर स्लाइड करते हैं तो देखिए आपकी ब्राइटनेस बढ़ेगी, कम भी होगी। ये बहुत ही अच्छा फीचर है एक इसका, और इसको आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। जैसे मैं अब मीडिया वॉल्यूम को ऊपर ब्राइटनेस की जगह सेलेक्ट कर लेता हूँ तो इससे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह काफ़ी फीचर हैं, जैसे नोटिफिकेशन वॉल्यूम को इसकी जगह सेलेक्ट कर लेते हैं तो उससे आप नोटिफिकेशन वॉल्यूम को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस आपको स्लाइडर पर स्लाइड करना है लेफ़्ट या राइट की तरफ। आप राइट की तरफ स्लाइड करेंगे तो इससे वॉल्यूम या ब्राइटनेस बढ़ेगी, और लेफ़्ट की तरफ स्लाइड करेंगे तो इससे वॉल्यूम या ब्राइटनेस कम होगी। चलिए नेक्स्ट फीचर की अगर बात करें तो आपको नेक्स्ट फीचर मिलता है टिकर टेक्स्ट। टिकर टेक्स्ट में आपको स्टेटस बार, टिकर टेक्स्ट डिसेबल, हेड्स अप नोटिफिकेशन डिसेबल अंडर स्टेटस बार, कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप इसको इनेबल करते हैं या परमिशन मांगेगा, इसको परमिशन को इनेबल कर देना है। चलिए मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ, बैक करते हैं। तो स्टेटस बार आपने इनेबल कर दिया है तो जैसे नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है तो आपका पूरा नोटिफिकेशन आप यहीं पे पढ़ सकते हैं। मैं टेक्स्ट एग्जांपल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए जैसे मैंने टेक्स्ट एग्जांपल नोटिफिकेशन पर क्लिक किया तो ऊपर आप स्टेटस बार में आपको नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है। इसमें भी आपको कई सारे कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, जैसे आपको स्टाइल मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अगर आप प्रीमियम ऐप इसका यूज़ करते हैं तो उसमें भी आपको कई सारे इनेबल मिलेंगे फीचर। कलर की बात करें तो आप इसमें कलर भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन ये प्रीमियम में होगा तो आपको इतना ही काफ़ी है, काफ़ी फीचर्स दिए गए हैं इसमें। ऐप ब्लॉक लिस्ट, आप यहाँ पर एप्लीकेशन ब्लॉक भी कर सकते हैं, जिसके आप नोटिफिकेशन नहीं देखना चाहते हैं तो उनको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं।
अगले फीचर की बात करें तो अगले फीचर में आता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार में आप यहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ पर स्टाइल है, अभी आईओ सिलेक्ट है, मैं इसको अगर इनेबल कर देता हूँ तो देखिए हमारे स्टेटस बार का पूरा लुक चेंज हो चुका है। वो स्टेटस बार हमारा अब आईफोन के स्टेटस बार की तरह दिखाई दे रहा है। इसमें आपको कई सारे कलर ऑप्शन भी मिल जाते हैं जिनको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन के लिए आप अलग अलग कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। सिस्टम आइकन्स, आप सिस्टम आइकन्स को भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आप शो करना चाहते हैं या नहीं शो करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है ऑलवेज रिप्लेस ओरिजिनल स्टेटस बार, अगर आप इसको इनेबल कर देते हैं तो आपका ओरिजिनल स्टेटस बार इससे रिप्लेस हो जाएगा, जो जो इस ऐप का कस्टम स्टेटस बार है वही आपको दिखाई देगा। बैटरी बार बार की अगर आप बात करें तो इसमें आप ऊपर ग्राफिकल बैटरी बार सिलेक्ट पा सकते हैं। अगर आप इनेबल बैटरी बार को लिखा है जो उसको इनेबल करते हैं तो आपको ऊपर एक स्टेटस बार अलग से दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का। आप इसकी हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं, कितनी आपको हाइट चाहिए उसके हिसाब से। यहाँ मैं फुल कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा ये ब्लू कलर का स्टेटस बार के ऊपर इंडिकेटर आ रहा है बैटरी के लिए। उसको आप ऑफशेड, इसको आप नीचे ऊपर भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर आप इसकी पोजीशन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अलाइनमेंट की बात करें तो आप इसमें इसको अलाइन कर सकते हैं सेंटर में, राइट में या लेफ्ट में, आप किस तरफ इसको रखना चाहते हैं। अभी मैं डिफ़ॉल्ट ही रहने देता हूँ। आप इसके कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे रेड सिलेक्ट कर लेता हूँ तो देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ऐसे ही आप यूज लो हाई कलर कर सकते हैं, चेंज बार कलर डिपेंडिंग ऑन बैटरी लेवल, बैटरी लेवल के हिसाब से आपका कलर चेंज हो जाएगा, होता रहेगा। ऐसे ही बहुत सारे इसमें खास फीचर्स दिए गए हैं एक्स्ट्रा में। स्लाइडर पैडिंग, आप स्लाइडर पैडिंग सिलेक्ट करते हैं, क्विक सेटिंग, वाइब्रेट, अगर आप इसको इनेबल करते हैं तो आप जब सेटिंग पर इसके टाइटल पर टैप करते हैं तो उसके उसमें आपका फ़ोन वाइब्रेट भी होगा। अलाउ चेंजिंग ऑटो ब्राइटनेस, ऑटो ब्राइटनेस को अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये ऑटो ब्राइटनेस को भी आपके हिसाब से चेंज करता रहेगा। तो चलिए ये था कुछ आज के वीडियो में, इतना ही। आज आपने देखा कि आप कैसे एक एप्लीकेशन के द्वारा आप अपने एंड्रॉयड के फ़ोन के लुक को एनहेंस कर सकते हैं। ऐसे ही नई ढेर सारी वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।